केंद्र सरकार द्वारा श्रम नियमों में श्रमिक विरोधी संशोधनों को लेकर खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने देश भर में विरोध दिवस मनाया और इसी कड़ी में जिला मुख्यालय धर्मशाला में भी भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला कांगड़ा अध्यक्ष मदन राणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों आशा वर्कर आंगनबाड़ी कर्मियों सहित भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपने हितों की आवाज बुलंद की। जिला प्रशासन के पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजकर भारत सरकार द्वारा श्रमिक संहिताओं में जो श्रमिकों को प्रभावित करने वाले संशोधन या प्रावधान किए गए हैं, उन्हें जल्द ठीक करने की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला कांगड़ा अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि पहले संघ ने सरकार जगाओ अभियान चलाया था। इसके उपरांत संघ की बैठक में निर्णय लिया गया था कि यदि सरकार ने मजदूर विरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा। इसी कड़ी में धर्मशाला जिला मुख्यालय सहित देश भर में इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। संघ ने केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त अन्य मांगों बारे भी केंद्र व प्रदेश सरकारों को अवगत करवाया गया है। केंद्र सरकार ने जो 29 कानूनों का जो बदलाव करके जो 4 नए कानून बनाए हैं, उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर आज हर जिला मुख्यालय पर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया था 24 जुलाई से 30 जुलाई तक हमने सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाया था। उसके बाद 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार ऑनलाइन हुआ है, और वो 3 दिन के अधिवेशन में लंबी चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया कि अगर सरकार ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इसको लेकर 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जन जागरण अभियान भारतीय मजदूर संघ ने चलाया, और यह निर्णय लिया कि अगर सरकार ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 28 अक्टूबर को पूरे देश में सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन तोड़ दिया जाएगा, और पूरे देश में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर हर जिला स्तर पर जमकर धरने प्रदर्शन और जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र भेजा जाएगा। आज देश के अंदर लाखों कर्मचारी पेंशन से वंचित रह रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने जो केंद्र की सरकार से प्रदेश की सरकारों से जो मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम को सरकार तुरंत प्रभाव से इसको लागू करे, आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार, आशा वर्कर नाम मात्र के बराबर वेतन लेने वाली हमारी बहनें केवल मात्र 1500 रुपये उनको मानदेय मिलता है, और सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर जे अपनी बेखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जहां प्रदेश की सरकार हिमाचल प्रदेश की सरकार भी दुहाई देती है कि आशा वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया जो किया है। तो आज हम प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आशा वर्कर को सरकार तुरंत सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनको 18,000 रुपया इनका मानदेय किया जाए। अभी जो बजट पिछला जो मुख्यमंत्री ने इस बार साल का जो बजट पेश किया था, उस बजट के भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आशा वर्करों का 500 रुपया बढ़ाया था, आशा वर्करों का 500 रुपया बढ़ाया था, परंतु आज तक वो 500 रुपया 8 महीने हो गया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, उसी कोई नोटिफिकेशन निकली उनको कोई पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। तो आज हम सरकार से मांग करते हैं जो आपने माने मुख्यमंत्री जी आपने बजट में जो कहा था उसको तुरंत लागू किया जाए। अगर केंद्र की सरकार ऐसे मजदूर विरोधी निर्णयों को अगर वापस नहीं लेती है तो केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ का जो भी निर्णय होगा, जो भी केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ का निर्णय होगा, भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश उसको पूरा इम्प्लीमेंट करेगा। अगर केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ कहेगा कि सड़कों पे उतरो तो हम सड़कों पे उतरने के लिए भी तैयार हैं। आशा वर्कर लता का कहना है कि प्रदेश सरकार ने फरवरी माह में आशा वर्कर के लिए 500 रुपए राशि बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसका भुगतान अभी तक आशा वर्कर्स को नहीं किया गया है। कोविड काल में आशा वर्कर्स ने फ्रंट लाइन में आकर सेवा की है, इसके बावजूद सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। सरकार से मांग है कि आशा वर्कर्स को स्थायी पॉलिसी में लिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किया जाए। जो भी दायित्व दिया जाता है उसे निभाया जाता है, जो भी काम हो करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से मानदेय भी दिया जाना चाहिए।
सर, जो 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट सत्र में घोषणाएं की थी, वो आज दिन तक का पूर्ण नहीं हुई, लागू नहीं किया गया उन घोषणाओं को। हम अपने हिमाचल सरकार से बहुत गिला कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को अनदेखा किया हुआ है। 500 रुपए की राशि बढ़ाई हुई थी, लेकिन आज दिन तक हमारी आशा बहनों को वो राशि नहीं मिली। इसके लिए हम अपनी हिमाचल सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वैसे तो हमारी हिमाचल सरकार ने COVID-19 में आशा बहनों को एक सराहना के तौर पर प्रशंसनीय पत्र दिए, लेकिन उन पत्रों से हमारे घर का गुजारा नहीं होता। हमें या तो स्थायी पॉलिसी के अंडर लिया जाए, या सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, या हमारा मानदेय की जो न्यूनतम राशि है वो 18,000 की जाए, ताकि हमारी आशा बहनों का घर परिवार और हम इधर उधर मतलब अपने तरीके से, जैसे हम हमारे ऊपर जो बर्डन डाला जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से ACF संडे करो, उसमें हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें उस हिसाब से वेतन भी मिलना चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश की सभी आशाओं की भावनाओं के साथ जो हिमाचल सरकार खिलवाड़ कर रही है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अभी हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं, हमें आगे भी कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि COVID-19 में फ्रंट पेज पे आशा वर्कर्स ने काम किया है। उस काम की सराहना जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्णतः की और प्रशंसनीय पत्र दिए, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें स्मार्टफोन, हिमाचल प्रदेश की 7500 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किए, लेकिन वो हमारे काम के लिए है। लेकिन हमें जो वेतन दिया जा रहा है हमारी आशा बहनों का, उस वेतन से गुजारा नहीं हो रहा है। हम बार बार निवेदन करते हैं अपनी हिमाचल सरकार से कि जो अदर स्टेट में मिल रहा है या तो हमें वो भी दिया जाए, क्योंकि हमें 1500 रुपए की राशि मिल रही है, जिससे हमारी हिमाचल प्रदेश की आशाएं बहुत निराश है, क्योंकि ग्रास रूट में हर रिपोर्ट आशा वर्कर से ही मिल रही है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि आशा हिमाचल में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस काम को देखते हुए हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है। इसके लिए हम अपने हिमाचल सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें या तो स्थायी पॉलिसी के अंडर लिया जाए, या हमारी हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, या हमारे मानदेय की न्यूनतम राशि 18,000 की जाए।